पाकिस्तान और नेपाल के पहलवानों को पटखनी दे चुके हैं बिहार के खली। एक हाथ से बाइक उठाकर घुमा लेता है चंपारण का लाल। रेसलिंग के दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले द ग्रेट खली को अपना गुरु मानने वाले यह हैं रवि कुमार सिंह, जो रेसलिंग की दुनिया में माजा बॉय के नाम से मशहूर हैं। एक हाथ से बाइक उठा लेना रवि कुमार के बाएं हाथ का खेल है। वह सिर्फ बाइक उठाता भी नहीं बल्कि उसे लेकर घूम टहल भी सकता है। दांत से ट्रैक्टर खींच सकता है और दांत से ही 100 किलो से अधिक का सामान भी आसानी से उठा लेता है। इतना ही नहीं, भरा हुआ सिलेंडर वह अपनी एक उंगली पर नचा देता है। खली को अपना आदर्श मानने वाले रवि ने पहले तो पहलवानी का गुर अपने पिता मनोरंजन सिंह से सीखा। उसके बाद पंजाब के जालंधर में स्थित CW एकेडमी में पहुंचा, जहां से उसने प्रशिक्षण लिया और कम ही समय में पाकिस्तान और नेपाल के पहलवानों को पटखनी देकर सनसनी फैला दी। जिसके बाद द ग्रेट खली की नज़र रवि पर पड़ी और एक बार में 12 लीटर माजा पीने के कारण रवि का नाम माजा बॉय के नाम से प्रचलित हो गया। नौतन के तेलुआ खाट टोला निवासी मधुरंजन सिंह को अपने बेटे की काबिलियत पर गर्व है। साथ ही वह सरकार से ना सिर्फ अपने बेटे बल्कि दूसरे प्रतिभावान लड़कों को भी जरूरी मदद देने की गुहार लगा रहे हैं, ताकि बिहार के बच्चे देश और दुनिया में बिहार का नाम रोशन कर सकें। मैंने सोचा कि हमारे बिहार से जैसे कि कोई भी रेसलर ऐसा नहीं हुआ है जो इंडिया लेवल पर और पूरे विश्व लेवल पर गए हो, तो मैं ये देख करके सोचा कि चलो कुछ अलग किया जाए, क्योंकि मेरे पापा भी जो है पहलवान रख चुके हैं, माटी में लड़ते थे, उन्हीं के साथ लड़ता था। पिताजी देसी पहलवान हुए। जी जी, तो उन्हीं से सीख करके बचपन में सीखता था, उन्हीं से थोड़ा थोड़ा लड़ता था, तो मैं सोचा कि यहाँ लड़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ अलग किया जाए और अपने बिहार को प्रेजेंट किया जाए, अपने इंडिया को प्रेजेंट किया जाए वर्ल्ड में। तो ये सोच करके मैंने 7 साल में एक WWE आता है जो वर्ल्ड में जो फेमस है। WWF आता था पहले, WWF आता था, उसको चेंज करके WWE कर दिया गया। जी, उसी में जाने का मेरा ख्वाहिश था, क्योंकि मैं उसी में जाऊँगा। वो करके मैंने ट्रेनिंग चालू किया, जाकर के CW एकेडमी पंजाब में जालंधर में पड़ता है, उसी में जाकर के आज से 7 महीने पहले एडमिशन कराया। और वो कराने के बाद जो अब कई बंदे होते हैं कि 1.5 साल 2 साल लगा देते हैं एक ही चीज़ सीखने के लिए, लेकिन मैंने 4 महीने में वो फाइनल किया और टीम में तो फाइट लड़ना चालू कर दिया। कितना घंटा प्रैक्टिस करते हैं आप? प्रैक्टिस तो मेरा इधर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ 2.5 से 3 घंटा होता है, लेकिन वहाँ रहते हैं तो 8 घंटा तक करते हैं। नए दूसरे रेसलर की अगर वो करना, उनसे करना यही कहना चाहेंगे कि वो भी करें नए जवानों के लिए। जी, क्योंकि पहले तो मुश्किल लगेगा कि मन करेगा कि छोड़ दे, लेकिन स्वामी विवेकानंद एक बात भी बोली है कि चलते उठो जागो और चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तो उसमें लगे रहना चाहिए, नहीं तो बीच में अगर कठिनाई आए कहे कि नहीं हो पाएगा मैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन वो करे और अपने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करें। क्या क्या मतलब आप वजन है? ऐसे तो हमारे जिम में जो वेट होता है वो उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम घर पे आए तो कुछ है नहीं जो दिखाने के लिए, लेकिन ऐसे मैं 70 kg तक अपने दांत से उठा सकता हूँ और एक ट्रैक्टर को दांत से खींच सकता हूँ। अभी जी मिलेगा अभी ट्रैक्टर, ये चीज़ बताइए। और जैसे कि मैं जहाँ लड़ता हूँ अपने फाइट जो अपने बिहार से होकर के, ऐसे करके पूरा मतलब स्टेट के अपने भारत से भी आते हैं, जैसे तमिल से, कर्नाटक से, ऐसे करके रेसलर आते हैं। पंजाब के भी रेसलर को मैंने हराया है, ऐसे नेपाल के भी आए थे एक रेसलर मनीष करके नाम के, उनको भी मैंने हराया, और पाकिस्तान के एक रेसलर आए थे सीखने के तौर में, ऐसे ही मजाक में आए थे और चैलेंज डाइट कर दिए, तो उनको भी मैंने हराया है। तो मतलब वो एकेडमी नहीं, वो सीखते नहीं, जैसे करके आते नहीं है, जैसे एकेडमी आते हैं देखने के लिए, तो वो डायरेक्ट किसी को देखेंगे, कोई अच्छा करता है तो उसको देख करके चैलेंज कर दिए। वहाँ प्रोग्राम है कि अलग आदमी आके देख सके सकता है, लेकिन रिंग में चढ़ नहीं सकता, लेकिन वहाँ का जब अगर कोई अधिक से अधिक मतलब करने लगे कि लड़ेंगे इसके साथ लड़ेंगे, तो उसका प्रावधान है लड़ने। सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, और मैं आपको एक चीज़ और पूरे भारतवासियों को मैं ये बताना चाहूँगा कि इस लड़का की तैयारी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है इसका डाइट होता है। जैसे सुबह में ये 30 अंडे लेता है, और उसके बाद में जो है फिर काजू किशमिश अखरोट काबली बादाम 250-250 ग्राम जितना भी अगर आपके पास उपलब्ध होता है, उसके बाद में ये होगा कि 3 दर्जन केला और 2 kg दूध लेगा, और दोपहर में जो है 2 kg मटन खाएगा, फिर शाम में लमसम 4 बजे या 5 बजे के करीब में ये फिर फ्रूट लेता है, सेब और केला लेगा,
और रात में जो है फिर मीट और चावल खाएगा, यानी कि एक दिन का 4 kg मटन हो गया और 4 kg दूध हो गया, उसके बाद में कम से कम 5 दर्जन केला हो गया और 2 kg सेब हो गया, यही डाइट है और यही भोजन है इनका। कहाँ तक इनको देखना चाहते हैं? देखिए, अगर समस्त भारतवासियों का अगर सपोर्ट मिल जाए तो ये लड़का हम लोगों को उस ऊंचाई तक लेके जाएगा जो इसके अंदर में हुनर है, जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ देसी जुगाड़ से दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं है, यहाँ जो भी है अपने देसी जुगाड़ से ही दिखाया जाता है। जैसे हम ट्रैक्टर को खींच लेता है दांत से, उस असंभव को संभव में बदलना हमारे देसी जुगाड़ से ये कोई आसान चीज़ नहीं है, और यहाँ पे कोई उत्तम व्यवस्था है नहीं। इसीलिए मैं समस्त जनता से यही निवेदन करता हूँ कि इस लड़का का एक चैनल है, जो चैनल का नाम है CWE मजा बॉय। अगर आप इस बच्चे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसका पेफोन अकाउंट भी है, जैसे 6207046055। अगर आप सबका अगर थोड़ा सा अगर सहयोग इस बच्चे को मिल जाए तो ये बच्चा अपनी मातृभूमि की जो है ये पताका पूरी विश्व में जा करके परचम लहराएगा। ऐसे खेल को लेकर तो सरकार बहुत इच्छुक रहती है, कोई जी जी ले। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा, अपने जो खेल मंत्री हैं उनका क्या नाम है, कृष्ण कुमार ऋषि जी, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप जो है इस ऐसे बच्चे के ऊपर, जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उन पर ध्यान दें, और अपने मुख्यमंत्री जो हैं जिनको कहा गया है विकास पुत्र, उनको मैं ये संदेश उन तक पहुंचाना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी एक बार इस बच्चे को ज़रूर ध्यान दें। अगर आप ध्यान देते हैं तो आपकी बिहार का गौरव और आपके वजह से काफ़ी ऊंचा तक बढ़ेगा। इसलिए मैं सभी जितने भी, जैसे हमारे मंत्री जी हैं संजय जायसवाल जी हैं या हमारे विधायक जी नारायण शाह जी हैं, मैं उनको भी मैं ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप ही के ज़मीन पे, आपके घर में, आपके मिट्टी से ये निकला हुआ उभरा हुआ लाल है, इस पर ज़रा थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दे देते हैं तो आप लोगों का गरिमा काफ़ी बढ़ जाएगा।